Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel JVS IELTS and Immigration, and myself is Patnaik. And today I will be discussing about summarized spoken text, which is the first task of listening module of PT Academic. So how to do that and what are the criteria, scoring criteria, those things I will be discussing in this tutorial. So dosto, आज का क्लास शुरू करते हैं. ठीक है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट. उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. राइट, सो करते हैं शुरू. समराइज स्पोकन टेक्स्ट है क्या? व्हाट इज समराइज स्पोकन टेक्स्ट? जो पीटी का ऑफिशियल गाइड कह रहा है, ऑफिशियल साइट पे जो इंफॉर्मेशन है वो ये कह रहा है, for this item type you hear an audio recording and need to write a 50 to 70 word summary on what you hear. Number of tasks 2 to 3. दो से तीन टास्क आएंगे और 50 से 70 वर्ड, 50 टू 70 वर्ड्स का एक समरी आपको बनानी पड़ेगी. आपको एक ऑडियो सुनाई देगा, उस ऑडियो में से आपने ऑडियो के कंटेंट को आप नोट करोगे. नोट डाउन करने के बाद उसकी समरी बनाओगे, बना के आप उसको 50 टू 70 वर्ड्स के अंदर लिखोगे. तो ये सारा करने के लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है? यू हैव 10 मिनट्स टू राइट योर समरी. ठीक है, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है. ठीक है, द ऑडियो बिगिंस टू प्ले ऑटोमेटिकली, यू आर ओनली एबल टू लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्डिंग वंस. आपको सिर्फ एक बार ही ऑडियो सुनाई देगी. ठीक है, रिपीट नहीं होगा. कोई भी पार्ट ना आप रिपीट कर सकते हो, ना वो रिपीट होगा. एक बार स्टार्ट हो गया, वो ऑडियो खत्म होने तक चलता रहेगा. ऑडियो खत्म होने के बाद आप जो भी नोट किए होंगे वर्ड्स, उसको लेके आप अपना एक समरी बनाओगे और वो समरी का लेंथ कितना होगा, 50 टू 70 वर्ड्स के अंदर आप रखोगे. ठीक है, ये कंफर्म करना है आपने, ना 50 से कम करना है ना 70 से ऊपर करना है. ठीक है, मेक श्योर टू राइट ए मिनिमम ऑफ 50 वर्ड्स बट नो मोर देन 70 वर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट स्कोरिंग क्राइटेरिया क्या है? इसमें स्कोरिंग क्राइटेरिया आप देखिए, इसमें पांच जगह पे, पांच पॉइंट्स पे आपको स्कोर मिलता है. कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग. कंटेंट, कंटेंट में 0 to 2 पॉइंट्स है. ठीक है, और कंटेंट में क्या कह रहा है? डज योर रेस्पॉन्स समराइज द मेन पॉइंट्स इन द लेक्चर. अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा, जो पीटी का स्कोर कार्ड के अंदर जो चीज है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, और फॉर्म क्या है? डज योर रेस्पॉन्स मीट द लेंथ रिक्वायरमेंट ऑफ बिटवीन 50 to 70. अगर आपने आपकी समरी 50 to 70 वर्ड्स के बीच में रखे हो तो 2 पॉइंट्स आपका गारंटी है. ठीक है, ग्रामर, डज योर रेस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट ग्रामेटिकल यूज. अगर आपने जो सेंटेंस आपने कंस्ट्रक्ट किया है या जो सेंटेंस आपने लिखा है उसके अंदर अगर वो ठीक है, बिल्कुल ग्रामेटिकल ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे भी आपकी गारंटी है. वोकैबुलरी, डज योर रेस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट वर्ड चॉइस एंड यूजेस. सही तरह से आपने वर्ड्स को यूज किया है और सही वर्ड्स आपने इंक्लूड किया है, तो 2 पॉइंट्स वहाँ पे भी आपको कहीं नहीं जा रहे, 2 पॉइंट्स गारंटीड है. स्पेलिंग, अगर आपकी स्पेलिंग सारे ठीक है तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे. पर इसमें एक रूल वो कह रहा है, डज योर रेस्पॉन्स डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ ए सिंगल स्पेलिंग कन्वेंशन. रिमेंबर, सिंगल स्पेलिंग कन्वेंशन क्या है? ठीक है, सिंगल स्पेलिंग कन्वेंशन मीन्स यहाँ पे आप किस चीज को वो बता रहे हैं, सिंगल स्पेलिंग कन्वेंशन. अगर आप यूएसए के फॉर्मेट की स्पेलिंग लिख रहे हो तो पूरे राइटअप में यूएसए फॉर्मेट रखो. अगर आप ब्रिटिश की फॉर्मेट रख रहे हो तो ब्रिटिश का फॉर्मेट को फॉलो करो, मिक्स नहीं करना. एक एक राइटअप के अंदर आप एक वर्ड ब्रिटिश का और सेम फिर एक वर्ड अपने यूएसए की अगर क्राइटेरिया फॉलो करो, वो नहीं करना आपने. आपने राइटअप के अंदर या तो ब्रिटिश कन्वेंशन को फॉलो करो या यूएसए कन्वेंशन को फॉलो करो. ठीक है, नाउ मैं इस पॉइंट पे, इस जगह पे थोड़ा सा आपसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, कंटेंट, कंटेंट जब कह रहा है, डज योर रेस्पॉन्स समराइज द मेन पॉइंट्स इन द लेक्चर. ठीक है, टेम्पलेट्स हम यूज करते हैं, लगभग सारे मैक्सिमम लोग, बच्चे जो हैं वो टेम्पलेट्स यूज करते हैं. ठीक है, आप लोग भी टेम्पलेट्स यूज करते हो, हम भी यूज करते हैं. क्या वो सफिशियंट है टेम्पलेट्स, या टेम्पलेट्स में कुछ कमियां हैं, या टेम्पलेट्स में परफेक्ट स्कोर मिल जाता है? तो ये एक बड़ी सी डाउट है. ठीक है, एक मिथ है ये. ठीक है, ये एक बड़ा सा एक अनजान सा है, क्योंकि स्कोरिंग पैटर्न आज तक पीटी ने रिवील करा नहीं है, तो ये नहीं पता कि स्कोरिंग किस बेस पे हो रही है. ठीक है ना, समराइज द मेन पॉइंट्स इन द लेक्चर, डज योर रेस्पॉन्स समराइज द मेन पॉइंट्स इन द लेक्चर. अब ये देखो, आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी लड़ाई एक मशीन के साथ है, इंसान के साथ नहीं है. नॉर्मली जब हम राइटिंग के बारे में बात करते हैं या राइटअप के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिमाग किस तरफ जाता है? मेनली आइल्स की राइटिंग की तरफ चला जाता है. आइल्स में राइटिंग टफ है, क्योंकि आइल्स में आपकी कंपटीशन एक इंसान के साथ है. इंसान आपका राइटअप को चेक करता है, तो वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखेगा जो गाइडलाइंस हैं.
कि आपकी राइटअप जो है वो वाकई टॉपिक के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने वाकई पैराफ्रेस किया है कि नहीं किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है। क्या मशीन इन चीज़ों को चेक करता है या मशीन चेक करता है, इसके क्या गारंटी है? कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपने पैराफ्रेस करना है, आपने उसको चेंज करना है, ठीक है, खाली मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स इज इट एनफ, ये मेन पॉइंट्स का इन्फॉर्मेशन जो है क्या ये एनफ है कि इस टास्क को आंसर करने के लिए? तो इसमें आपको करना क्या है, मेनली क्या है, आप टेम्पलेट यूज करो चाहे कुछ भी करो, मेन चीज क्या है, ये जो समरी स्पोकन टेक्स्ट है, मैं इसी टास्क के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस टास्क के अंदर स्कोरिंग कैसे लेना है, ठीक है ना, किस बेस पे लेनी है, ठीक है, ये लिसनिंग का पार्ट है, ठीक है, और ये इसकी स्कोर जो है वो राइटअप में भी जाता है, राइटिंग में मॉड्यूल में भी जाता है और लिसनिंग में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करिए, अगर आप टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो तो टेम्पलेट्स में से कम वर्ड यूज करने की ट्राई करो, मैक्सिमम वर्ड टेम्पलेट से नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी लिसनिंग, और लिसनिंग मीन्स क्या है, आप किस तरह से सुन रहे हो, ठीक है ना, आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी को चेक किया जा रहा है, ठीक है। मशीन क्या चेक करेगा, मशीन को आप मशीन को ये नहीं पता मेन पॉइंट्स क्या है, मशीन को इतने सारे पैसेज होते हैं, इतने सारे टेस्ट पियर्सन एग्जीक्यूट करता है कि हर पैसेज का, हर पॉइंट्स, हर पैसेज के मेन मेन पॉइंट्स अलग से फीड करता है, करता होगा, इट मे बी इट्स अ सेपरेट, ये डिस्कशन हो सकता है, ये एक अलग पॉइंट हो सकता है, पर ये मुझे ये नहीं लगता टेक्निकली ये वाइबल नहीं है कि इतने सारे पैसेजेस, इतने सारे राइटअप्स, इतने सारे वर्ड्स, इतने सारा ये, इन सारों को उसमें फीड किया होगा, ये हर वर्ड का सिनोनिम फीड किया होगा, ये हर वर्ड का मीनिंग्स फीड किए होंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, मतलब ये प्रैक्टिकली वाइबल नहीं है, ठीक है। फिर भी हम एक दूसरे एंगल से लेते हैं इसको, ठीक है, दूसरा एंगल एक सिंपल एक मशीन के एंगल से लेते हैं, मशीन को जो हम देंगे वो उसी उसी चीज़ के ऊपर ही करेगा, ये कोडिंग है, इसके पीछे कोडिंग चलता है, ठीक है। तो अब ये चीज है कि लिसनिंग टेस्ट के अंदर समरी स्पोकन टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऑडियो सुनाई दे रही है, उस ऑडियो में से आप ट्राई करो मैक्सिमम किस तरह से आपका लिसनिंग कैपेबिलिटीज है, ठीक है, हियरिंग कैपेबिलिटीज क्या है वो चेक होना है, ठीक है। तो बेटर है आप जितना मैक्सिमम इसमें से आप नोट कर सकते हो उसका उतना नोट करो, ट्राई करो 50 वर्ड क्रॉस करने की, 50 से 70 के बीच में कहीं पे भी आप उसको राइटअप को एंड कर सकते हो, अगर 51 भी है दैट इज अनफ, कोई जरूरी नहीं है 60 पार करना है, 65 करना है, 69 करना है, 70 करना है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, आपको 50 क्रॉस करना है, 70 के बीच में रहना है, जहां पे भी रुकना चाहते हो आप रुक सकते हो, ठीक है। बट ट्राई करो, अगर आप उस राइटअप में अगर टेम्पलेट को यूज करना चाहते हो तो टेम्पलेट के वर्ड्स कम हो, आपका ये नोटिंग वर्ड्स ज्यादा हो, जब आप सुनोगे सुनने के टाइम पे आपने उसको नोट कर, मैक्सिमम ट्राई टू नोट डाउन मैक्सिमम फ्रेजेस, नॉट वर्ड्स, वर्ड्स नहीं करना है, नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे वर्ड्स नोट करते हैं, वर्ड्स नोट करने के बाद उसकी कनेक्टिविटी बना नहीं पाते हैं, ना वो बनता है नहीं होता है। अब मान के चलिए फ्रेजेस आपने अगर नोट कर रहे हो तो कम से कम एक फ्रेज, एक क्लॉज, एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस आपने अच्छी तरह नोट कर लिया तो वो उस कंटेंट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि मशीन के अंदर उसके मीनिंग फीड हो ना हो पर वो उसका जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट जरूर फीड होगा, जब आप लिखोगे उस चीज को तो मशीन जब उसको कंपेयर करेगा उसको वो वर्ड्स मिल जाएंगे, जब मिलेंगे देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग स्कोर्स, ठीक है ना, आप डेफिनेटली उसका स्कोर लोगे। अब ये रहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप फ्रेज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो ना कि वर्ड्स के ऊपर, ठीक है, फ्रेज ट्राई करोगे, अगर मान के चले 5-6 वर्ड का एक फ्रेज या 7 वर्ड का एक सेंटेंस आपने नोट कर लिया वो बहुत बेनिफिशियल है, उस तरह से अगर आपने पूरे ऑडियो क्लिप में से 4 या 5 लाइंस आपने नोट कर लिए और उनको आपने कंजक्शंस लगा के, सही कंजक्शंस या कंजक्टिव एडवर्ब्स लगा के आपने अगर जोड़ दिया तो आपका मकसद पूरा है, उससे क्या होगा आपका टेम्पलेट में कम वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी और मैक्सिमम वर्ड्स आपका कंटेंट से ही रहेगा और वो कंटेंट का पूरा ऑडियो स्क्रिप्ट के साथ टैली कर जाएगा, जो कि मशीन को भी इजी होगा उस चीज को, जहां तक मेरा, ये मेरा नॉलेज है, ठीक है, ये मेरा आइडिया है, ठीक है, हमें स्कोर इसी से मिल रहा है, हम इस तरह से जब करते हैं तो स्कोर मिल रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि सिनोनिम को लेके ये पॉइंट्स देगा, ये करेगा, ग्रामेटिकल एक अलग चीज है, ग्रामर ग्रामर अलग चीज है, फॉर्म 50 से 70 वर्ड हो गया, कुछ भी लिखो 50 से 70 है आपको 2 पॉइंट्स तो गारंटी है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, इसके अंदर एक पॉइंट और है, अगर आपका कंटेंट अगर बिल्कुल नहीं है, ऑडियो के साथ मैच नहीं कर रहा है तो सारे के सारे 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये उसकी स्कोर गाइड के अंदर दिया हुआ है, अगर आपका कंटेंट के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है या कंटेंट के आसपास नहीं है तो आपका 0 हो जाएगा, सारा का सारा 0 हो जाएगा, ना आपको फॉर्म में मिलेगा, ना ग्रामर में मिलेगा, ना वोकैब मिलेगा, ना स्पेलिंग मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर आप कुछ ऐसे सेंटेंस, इजी सेंटेंस, आपको जो सुनने में आपको लग रहा है कि हाँ आपने एक सेंटेंस का मैक्सिमम पार्ट याद कर लिया या लिख सकते हो, ट्राई टू नोट डाउन दैट, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि हम इसको करें कैसे, ठीक है,
मेन चीज़ ये है कि भाई वो तो बोले जा रहा है, हम लिख ही जा रहे हैं, काफ़ी मिस हो जाएगा। दोस्तों डोंट वरी, नो वरीज एट ऑल। आपका काम है 4 से 5 लाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है पूरे ऑडियो क्लिप में से। मैं आपके काम आसान कर रहा हूँ, आपने पूरा का पूरा ऑडियो क्लिप को नोट नहीं करना है। यू आर नॉट टेकिंग द नोट डाउन ऑफ द एंटायर क्लिप। आपने सिर्फ 4 या 5 अच्छे लाइन्स, लाइन्स जो इजिली आप याद कर सकते हो या इजिली आप लिख सकते हो, उस टाइप के लाइन्स को आप उठाओ जो कि कंटेंट के स्क्रिप्ट के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्ड्स उसमें से उस सेंटेंस के अंदर रहे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसको अचीव कैसे करना है? आप देखो कोई भी चीज़ हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली दो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो काम एक टाइम पे करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा, कुछ ना कुछ मिस आउट होगा, यहाँ से भी मिस आउट होगा, वहां से भी मिस आउट होगा, कुछ ना कुछ मिस आउट होगा और लास्ट में वो क्रैप, वो डस्टबिन में जाना है। ठीक है, उससे बेहतर है कि आप एक टाइम पे एक काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने के टाइम पे ही इस स्किल को डेवलप करो। दिस इज अ स्किल टेस्ट, रिमेंबर दिस इज अ स्किल टेस्ट, दिस इज नॉट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, नॉलेज कुछ एक हद तक काम आता है, पर मैक्सिमम इसमें आता है आपका स्किल टेस्ट। ठीक है ना, आपका हियरिंग स्किल कितनी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप जिस टाइम पे ऑडियो क्लिप स्टार्ट हुआ आप सुनना स्टार्ट करो। सुनने में जैसा आपको लगा या आपने, हाँ ये लाइन को आपने पकड़ लिया, देन स्टार्ट टाइपिंग या राइटिंग। आप अगर अच्छे टाइपिस्ट हो तो सीधे स्क्रीन के ऊपर टाइप करो, नहीं आप, आपको जो पैड दिया गया उस पैड के अंदर उस लाइन को नोट करो। जब तक उस लाइन को आप राइट कर रहे हो तब तक आप लिसनिंग पे ध्यान नहीं देना, जाने दो ऑडियो क्लिप जो जा रहा है, जाने दो, लेट इट गो। आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, आप राइटिंग जो वर्ड्स आपने याद किया ना, जो वर्ड्स आपने इजीली पकड़ लिए, उन वर्ड्स को ठीक से नोट कर लो ताकि उसमें से कोई मिस ना हो। ठीक है, वंस वो नोट हो गया देन अगेन कम बैक एंड टू लिसनिंग। ठीक है, फिर लिसनिंग पे कॉन्सेंट्रेट दो। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 4 या 5 लाइन मिस आउट हुआ होगा। ठीक है, हार्डली 3 to 4 या 3 to 5 लाइन आपका मिस आउट होगा। जैसा आपने लिसनिंग में वापस आ गए, अगेन पूरी कॉन्सेंट्रेशन दो और एक लाइन उसमें से, फिर एक उसी सेकेंड मतलब आधे सेकेंड के अंदर या आधे सेकेंड के अंदर आपने एक लाइन और पकड़ लेनी है। ठीक है, 4-5 सेकंड के अंदर आप एक लाइन जरूर पकड़ लोगे। ठीक है, जब सेकंड लाइन आपको मिल गया उसको नोट करो, नोट करने के टाइम पे लिसनिंग पे ध्यान ना दो। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट करो, सुना एक लाइन आपने पकड़ लिया उसको लिखा, उस टाइम पे नो लिसनिंग, लिखता लिखना खत्म हो गया इमिडिएटली लिसनिंग स्टार्ट, लाइन पकड़ लिया राइटिंग स्टार्ट, नो लिसनिंग। ठीक है, इस तरह से आप 4 से 5 लाइन पकड़ लो, पकड़ लिया तो आपका ये टास्क का मेन कंटेंट जो है वो पूरा हो गया। कंटेंट के बेस से आपने पॉइंट्स स्कोर करना शुरू कर दिए, वहां से स्कोर आते ही बाकी ग्रामर फॉर्म वोकैब स्पेलिंग इनमें से जरूर मिलेगा। ठीक है, ये इसकी सीक्रेट है। ठीक है, इसके अलावा या तो जो टोटली एक अलग लेवल पे हैं, ठीक है, जिनको इजी है, जिनका बेस स्ट्रांग है, जिन जिनने क्लिप को समझ के अपने ये पे लिख सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। द आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट पॉइंट। वो हम देखते हैं कि मैक्सिमम, मेरा जो मकसद है कि जो मैक्सिमम बच्चे जो कर नहीं पाते, इसमें प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आता है, ये बहुत स्पीड चला गया या ये हो गया, आप उन चीज़ों में ना पढ़ो। मेरा ये कहना है कि आप लिसनिंग, आपके लिसनिंग स्किल्स को बढ़ाओ, सुनो हर तरह के पॉडकास्ट को, सुनो टॉक्स को सुनो। ठीक है, सुन के आपके सुनने की कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। ठीक है, तभी जाके आप बोल पाओगे या याद कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, घर में एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो बोलने से पहले क्या करता है, वो लोगों को सुनता है, वो बोलना शुरू नहीं करता एकदम। वो घर में या पड़ोस में, अड़ोसी पड़ोसी जिसका अलग अलग भाषा के होते हैं, ये उनके साथ रहता है, वो कोई उसको गोदी में उठा के ले जाता है, उसके साथ अपनी लैंग्वेज में बोलता है। सो स्टार्टिंग पे वो सुनता है, सुनता है और उस एक्शन के साथ उस साउंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, ना उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, ना कोई स्कूल अटेंड किया होता है, कुछ भी नहीं, फिर भी वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द टॉप सीक्रेट ऑफ आइडेंटिफाइंग द वर्ड्स द साउंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको सुनो, आप सुनने की प्रैक्टिस करो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस देनी पड़ेगी, जिनका नहीं हो पा रहा है आप थोड़ा सा टाइम दो, इसको दिल लगा के करो, इसको इसको एंजॉय करो, इसको एज ए बर्डन नहीं लेना है आपने। अगर बर्डन लोगे देन आपको ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप इसको एंजॉय करो, आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स के ऊपर आप सुनो टॉक्स को, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ आपके इम्बाइव होगा, वो बढ़ेगा धीरे धीरे, वो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद आप ट्राई करो एक सेंटेंस को पकड़ने के। इसका असर कहाँ पड़ेगा पता है, इसका असर आपको रिपीट सेंटेंस और डिक्टेशन वर्ड पे भी आपको हेल्प करेगा। मेरा यकीन मानो, जिनकी लिसनिंग ठीक हो गया दैट मीन्स आपका सारा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम दूर है, पीटी गारंटेड स्कोर है। ठीक है, लिसनिंग अगर आपने अच्छी तरह कर लिया तो आपका रिपीट सेंटेंस में भी आपका स्कोर बढ़िया आएगा और डिक्टेशन में भी आपका स्कोर बढ़िया आएगा। तो ट्रिक क्या है, यही है कि आप सुनो, ठीक है। और जब समर स्पोकन टेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सुनने के टाइम पे आप एक लाइन को पकड़ने की कोशिश करो, जैसा आप रिपीट सेंटेंस में करते हो या डिक्टेशन में करते हो, सेम स्किल यहाँ पे यूज करो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें पकड़ सकते हो, और कंटेंट में से जब पकड़ोगे तब सॉफ्टवेयर भी उस कंटेंट को मैच कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसको वर्ड्स मिल जाएंगे क्योंकि स्क्रिप्ट जरूर होगा, चाहे कुछ हो ना हो, सिनोनिम्स हो ना हो, उसके मीनिंग हो ना हो, समरी हो या ना हो, पर जरूर वो स्क्रिप्ट उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड होगा जो ऑडियो क्लिप चल रहा है वहां पे। ठीक है ना, तो उसके साथ मैच करेगा, मीन्स मैक्सिमम वर्ड्स आपका मैच हो गया। वेन मैक्सिमम वर्ड्स आर मैच, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट स्कोर। अब यहाँ पे कीवर्ड आपको पता है, मुझे पता है, या एग्जामिनर को पता है, मशीन को क्या पता है कि भाई ये कीवर्ड है या ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मशीन को सारे वर्ड्स एक ही है। अगर मैं मशीन की नज़र में आपसे बात करूं, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरा बैकग्राउंड है आई एम ए प्रोग्रामर। ठीक है ना, हम जब प्रोग्राम करते हैं हम सिर्फ, ठीक है, हम एक आइडिया को लेके कोड कर देते हैं, दैट्स ऑल। उसका अपना इंटेलिजेंस नहीं है मशीन का, जो इंटेलिजेंस हम देंगे वो उसी के ऊपर काम करेगा। ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है कि उसमें सिनोनिम्स होगा, ये होगा, उसको कैसे करना है, ये वर्ड अगर आएगा तो उसको कहाँ से लिंक करना है, वो एक एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पर ये गारंटी है कि जो ऑडियो क्लिप में जो कंटेंट है, उस कंटेंट का स्क्रिप्ट जरूर होगा। ठीक है ना, अगर आप स्क्रिप्ट में से वर्ड्स, आप वही वर्ड्स आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली ये मैच करेगा, मैच करने के बाद आपका स्कोरिंग गारंटीड है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब तो हम करना क्या है इसके अंदर, जब हम सुनेंगे या फ्रेजेस को नोट करेंगे, ठीक है, समराइज द मेन पॉइंट एंड रेफर ब्रीफली टू द एसेंशियल सपोर्टिंग पॉइंट्स व्हिच विल गेन यू गुड मार्क्स फॉर कंटेंट। बात वही है। ठीक है, आप नोट करो, ट्राई करो, एक एक वर्ड अगर नोट करोगे तो उन वर्ड्स के बीच में लिंक बिठाना मुश्किल हो जाएगा आपको। हो सकता है पूरा का पूरा वो वर्ड कहाँ से लिया था, किस लाइन से आया था, उस टाइम पे क्या बोला था, वो शायद आपको रिकॉल करने में मुश्किल हो जाए, फिर हमारा सारा चीज ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे बेटर है वर्ड्स नोट नहीं करना, फ्रेजेस में नोट करो या क्लॉजेस में नोट करो। ठीक है, एक सेंटेंस ट्राई करो, एक सेंटेंस का एक कुछ मीनिंग निकले, ठीक है, उस टाइप के सेंटेंसेस को आप नोट करो, चार या पांच बहुत है, चार या पांच में बहुत हो जाएगा। उसके बाद बाकी आपके टेम्पलेट यूज करते हो या उसमें अपना सेंटेंस भी बना के आप उसको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ दे सकते हो। 50 to 70 वर्ड्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद चेक योर सेंटेंसेस फॉर थिंग्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस एंड वर्ड ऑर्डर। ठीक है, ये चीजें ये ग्रामेटिकल स्कोरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये जब आप लिखोगे ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये चीजें हम ऑटोमेटिकली वहां पे अंदाजा कर सकते हैं उन चीजों को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मेन आइडिया और द टॉपिक। ठीक है, अब मेन आइडिया हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हम आप एक ऑडियो क्लिप सुन रहे हो, उसमें मेन आइडिया कौन सा है, सिस्टम को क्या पता है, सिस्टम के लिए एक स्क्रिप्ट है। हर स्क्रिप्ट में ये नहीं लिखा कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ये फॉरगेट अबाउट दैट, वो आइल्स में काम आता है। ठीक है, आइल्स के अंदर मेन आइडिया चाहिए क्योंकि आपके सामने जो बैठा है आपको जो आंसर चेक करेगा वो एक ह्यूमन चेक करेगा। ह्यूमन जब चेक करेगा वो अपने इंटेलिजेंसी पूरा का पूरा लगाएगा, हल्की सी गलती छोटी सी भी गलती को भी वो राउंड अप करेगा ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, मशीन चेक कर रहे हैं, मशीन को, मशीन के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अनइम्पॉर्टेंट है, अगर मैं मशीन की नज़र से देखूँ तो। ठीक है ना, सो मेन आइडिया मेन टॉपिक ये चीज़ें आपको उस चीजों पे ना पढ़ो आप। ठीक है, आपका ध्यान ये रहे कि जितना आप नोट कर सकते हो वर्ड वर्ड बाय वर्ड, मतलब एक वर्ड कर लिया उसके बाद दो सेंटेंस के बाद फिर एक वर्ड ले लिया, ऐसा ना करो। सेंटेंस एक एक फ्रेज को, पांच छह वर्ड या सात वर्ड का एक सेंटेंस को, ठीक है, एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस को नोट करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद उसको उस हिसाब से हमने समरी बनाएंगे। ठीक है, और टेम्पलेट्स के ऊपर क्या है, कोशिश करो टेम्पलेट्स कम से कम यूज हो, इसमें आपकी भलाई है क्योंकि टेम्पलेट्स हमेशा हर जगह पे सूट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, टेम्पलेट्स जब बनाते हैं या टेम्पलेट्स आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, टेम्पलेट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा अपना एक टेम्पलेट होगा, आपका अपना टेम्पलेट होगा, हर एक अपना अपना एक टेम्पलेट बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो टेम्पलेट्स हम इसलिए बनाते हैं कि भाई ठीक है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए, एक एंडिंग पॉइंट मिल जाए, बीच में जोड़ने के लिए कुछ एक आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करने के बाद आप टेम्पलेट्स को धीरे धीरे इग्नोर कर जाओ, स्टार्टिंग करने के लिए कर सकते हो बट उसके बाद आप इग्नोर कर जाओ तो बेहतर है। अपना वर्ड्स लगाओ, अपना वर्ड्स जब यूज करोगे आप, सो यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑन योर राइटिंग। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप खुद कॉन्फिडेंट हो रहोगे कि हाँ मैंने जो लिखा है ठीक लिखा है, उसके हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से मैंने फॉर्मेशन किया है। ठीक है, सो ये बेहतर है। तो
यूज़ करो टेम्पलेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेम्पलेट यूज़ नहीं करना या टेम्पलेट खराब है ये, पर टेम्पलेट विल नेवर गिव यू 90, ये याद रखो। जो 90 के स्कोर की आप अगर सोच रहे हो ये कर रहे हो, देन आपको अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। ये टेम्पलेट्स के ऊपर चलेगा नहीं, टेम्पलेट्स के ऊपर आप एक लिमिट तक जाओगे, उससे ऊपर नहीं जाओगे, ठीक है ना। सो ठीक है, 60 स्कोर करना है, 65 स्कोर करना है, ठीक है, समवेयर बिटवीन 60 टू 59 टू 59 टू 70 के बीच में रहना है, तो टेम्पलेट्स का कुछ एक हिस्सा आपको डेफिनेटली हेल्प देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एडवाइस। फाइनली मेरा एडवाइस क्या आप लोगों के लिए, राइट एज मच एज यू कैन। जब आप सुनोगे, कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके इस टास्क के लिए उतना ज्यादा आप लिखो, ठीक है। ट्राई टू राइट फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजेस में लिखो, वर्ड्स नहीं, इंडिपेंडेंट वर्ड्स नहीं, फ्रेजेस लिखो, ठीक है। डू वन एक्टिविटी एट ए टाइम, एक एक्टिविटी एक ही टाइम पे एक ही एक्टिविटी करना है। जब सुन रहे हो बाय लिसनिंग अवॉइड राइटिंग, ठीक है, जब सुन रहे हो लिखना नहीं है, ठीक है, जब लिख रहे हो तब लिसनिंग की तरफ ध्यान नहीं देना, ऑडियो क्लिप को जाने दो, वो अपने दो तीन लाइन मिस कर जाओगे आप ज्यादा से ज्यादा, पर उसके बाद अगेन आप बैक टू कंटेंट आ सकते हो, फिर एक लाइन उठा लिया फिर आप लिख लोगे, ठीक है। गेट द फ्रेज, स्टार्ट राइटिंग, अवॉइड लिसनिंग, ठीक है ना। फ्रेज को आपने पकड़ते ही आपने लिखना शुरू कर दो और लिसनिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। वो लिखने के बाद अगेन आपने ये करना है, अवॉइड नोटिंग डाउन वर्ड्स, वर्ड्स नोट नहीं करना कभी भी, मतलब ये मैं पहले भी बार बार मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर वर्ड्स की वैल्यू नहीं होगा, वर्ड्स की वैल्यू होगा अगर वर्ड आप नोट करके सोचोगे मैं इसको कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट कर दूंगा, मुश्किल है, उतना शार्प आपकी मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। ये रिस्की वाली मैटर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। वर्ड्स आपने मेन मेन वर्ड्स को पकड़ लिया, आपको पता है कि इस वर्ड्स ये वर्ड इस संदर्भ में कहा गया, इस वर्ड इस संदर्भ में कहा गया, तो आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट, दैट टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्कोर करना है और गारंटेड, मतलब आप भी कंफर्म कॉन्फिडेंट में रहोगे कि हाँ मैंने जो लिखा है वो उसी कंटेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो इसलिए वहां पे मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, फ्रेज वाइज आप नोट करने की कोशिश करो, ठीक है। यूज फ्यू वर्ड्स फ्रॉम टेम्पलेट एंड इंक्लूड मैक्सिमम वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेंट, ठीक है। इसमें जो आपने नोट किया है, जब आपने फ्रेजेस नोट कर रहे हो 8, 10, 7, 8 वर्ड का या 10 वर्ड का, जब आपने फ्रेजेस नोट कर लिया, पार्ट ऑफ द सेंटेंस नोट कर लिया, अगर चार कर लिया आपने, 4 या 5 कर लिया, तो आप 35 to 40 वर्ड्स तक आराम से आप कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको कितने चाहिए, 10 या 12 वर्ड चाहिए, वो 10 या 12 वर्ड आप टेम्पलेट से कर लो या अपना सेंटेंस बना के आप उसको जोड़ लो, तो आप 50 इजिली पार कर जाओगे। वो आपके रहेगी ओरिजिनलिटी रहेगी, प्लस आपका वो रियलिटी भी रहेगा, और दूसरी आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा कि हाँ मैंने इसको कॉन्टेंट के बेस पे किया है, ठीक है। तो आइए अब एक देखते हैं, एक एक्सरसाइज करके देखते हैं, मैं आपको एक एक्सरसाइज सैंपल करा के दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे नोट करना है, किस तरह से नोट करना है, और उसके बाद इसको मैं एंड करूंगा, इस क्लास को एंड करूंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से मैं अभी क्लिप चलाऊंगा, क्लिप चला के इसमें मैं नोट करूंगा जो मुझे लगेगा भाई ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट लाइन्स, जो फ्रेजेस को मैं याद कर पाऊंगा मैं उनको ये करूंगा, आप अपने हिसाब से नोट करना, ठीक है। उसके बाद उसको कैसे जोड़ेंगे या किस तरह से हम जोड़ सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ये बता रहा हूँ, मेरे पहले वीडियोस में सेंटेंस के अंदर मैंने बताया था कि हमने कंजक्शंस कैसे यूज करना है, ठीक है, उसी कंजक्शंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। कंजक्टिव एडवर्ब को यूज करना है या सिंपल कंजक्शंस को यूज करना है, ठीक है, एंड और बट कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस को जोड़ना है हमने, ठीक है, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ देनी है, एक समरी देनी है, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे वो देखनी है, ठीक है। हम स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके मैं इसको स्टार्ट चला के इमिडिएटली मैं यहाँ पे टाइप भी करूंगा, ठीक है, देखेंगे, आप भी करो और मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। South Korea is moving its capital from Seoul to a new site in the middle of the country. Although Seoul has been the capital since the 14th century, the city of over 20 million is now very crowded, and also close to the hostile armies of North Korea. The new capital is planned to cost $45 billion, with construction finishing by 2012. There is, however, strong opposition to the project, since similar schemes in other countries have taken far longer and cost much more than originally planned. Australia, for example, took over 70 years to finish building Canberra, while Nigeria has never completed its planned new capital, Abuja. Both Brazil and Malaysia have found that the building of new capitals, Brasilia and Putrajaya, can sharply increase the national burden of debt. Even if the government does eventually move to the new capital, it is unlikely that South Korea's main businesses will follow it, so Seoul will probably continue to be the country's principal city.
बस मैं इसको कुछ एक वर्ड्स को शॉर्ट में लिखा, ठीक है, एक्रोनिम टाइप पे लिखा, तो ये मैंने इतना नोट कर पाया मैंने इसमें, इसको सुन के जो जो लाइन मैंने जब मैंने नोट करता था, बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, जो जो मुझे लगा हाँ ये चीज़ें मैं इजीली नोट कर सकता हूँ, तो उन चीज़ों को मैंने नोट किया। अब इतने में मेरे वर्ड्स कितने बन रहे हैं, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो मेरे वर्ड्स बन रहे हैं 44, ठीक है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट मैं 50 के आसपास पहुंच रहा हूँ, ठीक है। अब इसको जब मैं सेट करूंगा तो डेफिनेटली हो सकता है, देखते हैं कितना बन रहा है, ठीक है, 52 हमें चाहिए, कितना 52 70, ठीक है। अब इसको हम मैं इसको अभी सेंटेंस में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, साउथ कोरिया प्लान टू मूव इट्स कैप, कैप हो गया कैपिटल, फ्रॉम सियोल टू मिड ऑफ द कैपिटल, फ्रॉम सियोल टू न्यू सिटी का था, न्यू सिटी इन द मिडल ऑफ द कंट्री, एक तो सेंटेंस ये था, 20 मिलियन क्राउडेड बाय नाउ, 20 बाय नाउ, बाय नाउ 20 मिलियन ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड एंड ऑल्सो नियर क्लोज, क्लोज था वो, क्लोज टू होस्टाइल आर्मी ऑफ नॉर्थ कोरिया, ये सेकंड जो मैंने याद कर पाया। अभी यहाँ पे हाउवर से पहले उसने देर इज, ठीक है, हाउवर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, OPPO लिखा था मैंने, इसे स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, ओपोजिशन टू द प्रोजेक्ट, ठीक है, ओपोजिशन भी है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया टुक 70 इयर्स टू इयर्स टू बिल्ड कैनबेरा, इसका जो अभी प्रेजेंट राजधानी है, ठीक है, और जबकि नाइजीरिया नेवर कंप्लीट इट्स प्लान, ठीक है, ये फेल्योर से, ठीक है। उसके बाद था इवन इफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट मूव्स टू न्यू प्लेस, मूव्स टू न्यू सिटी, देन ऑल्सो सियोल प्रोबेबली विल रिमेन, प्रोबेबली कंटिन्यू टू, कंटिन्यू टू बी द प्रिंसिपल सिटी, प्रिंसिपल सिटी, ठीक है, ये अब ये मेन लाइंस हो गया, ठीक है। अब इसमें लाइंस कितने, 70 वर्ड्स ऑलरेडी बन गए हैं, अभी यहाँ पे 70 वर्ड्स बन गए, ठीक है। अब इसमें से मैं कुछ हटाना तो हटा सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसको एक पैराग्राफ के फ्रेम में बनाएंगे, ठीक है। साउथ कोरिया, SOUTH, साउथ कोरिया प्लान टू, एस लगेगा, प्लान टू मूव इट्स कैपिटल फ्रॉम सियोल टू न्यू सिटी इन द मिडल ऑफ द कंट्री, कंट्री एट प्रेजेंट, ठीक है, ऐड कर रहा हूं मैं, एट प्रेजेंट इट इज मोर देन 20 बिलियन, एट प्रेजेंट इट इज कंट्री, इसको ऐसे करते हैं, फर्दर द सिटी इज सिटी विथ ओवर 20 को हटा के TWENTY, 20 मिलियन, 20 मिलियन वेरी क्राउडेड
and also close to hostile army of further the city, further the city with over 20 million very crowded, 20 million crowd and also close to hostile army of North Korea. ठीक है, there is however, इसको ऐसे ही लगा देता हूँ मैं, there is however strong opposition to this project, to this project. ठीक है, अगर मैं इस दो को हटाता हूँ एक बार, तो भी अपना काम बन गया. ठीक है, even if government, government, even if government moves to new city, then also Seoul probably continue to be the principal city. कितने words बने? 60 words बने. This is enough. ठीक है, वो दो line की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, उनको मैंने हटा दिया. अगर उसको लिखना है तो मैं यहाँ पे भी उसको add कर सकता हूँ कि shifting of capital is not always success. ठीक है, इस तरह से कुछ ऐड करके उसका एग्जांपल मैं वहां पे ऐड कर सकता था. ठीक है, तो बट दिस इज द मेन, ये जो मैंने याद कर सका उनको मैंने ये करके ये बना दिया. ये बना के अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अब 60 हो, आपके पास 10 वर्ड्स और भी हैं. अगर आप लिखना चाहते हो द ऑडियो क्लिप, द ऑडियो क्लिप डिलिनिएट्स या द ऑडियो क्लिप represents or in the audio clip it is said that, ठीक है, in the audio clip it is said that South Korea plans. फिर भी कितना हुआ? 68 words हुआ. ठीक है, तो मैंने सिर्फ template का कौन सा पहला एक ये उठाया, in the audio clip it is said that. ठीक है, otherwise rest everything will be fine. ठीक है, तो हम back चलते हैं. तो दोस्तों ये था अपना एक एक्सरसाइज का एक छोटे से एग्जांपल था. ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है, कोशिश करो. डेफिनेटली आप अगर मैक्सिमम वर्ड्स आप शॉर्ट करके लिखो, पूरा लिखना मुश्किल है, शॉर्ट करके लिखो, आप अपना एक एक्रोनिम एक शॉर्ट वर्ड्स की डेवलप करो. ये इजी है क्योंकि आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे आप लिखते हो, ये करते हो, हम शॉर्ट वर्ड्स यूज करते हैं. ठीक है ना, उसका जो स्किल है, वो जो प्रैक्टिस है, वो यहाँ पे यूज करो, उस चीज को यहाँ पे यूज करो. ठीक है, जब एक दो बार प्रैक्टिस करो, एक दो दिन तीन दिन प्रैक्टिस करोगे, तो वो शॉर्ट वर्ड्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा. ठीक है, देन क्लास कंप्लीट करने से पहले वंस अगेन मेरा आप सबसे तय दिल से रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से आपका बहुत प्यार मिल रहा है. ठीक है, काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं. ठीक है, और मैं आपको आभारी हूँ कि आप लोग इतना ये दे रहे हो, टाइम भी निकाल रहे हो, आप ज़रूर देख रहे हो इसको. ठीक है, और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें और ये सफ़र जारी रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.